चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ ने कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। बांग्लादेश में पिछले महीने जो भी कुछ घटा, जो भी कुछ हुआ, उसे देखकर कहा जा सकता है कि बंदूक भी सत्ता को हाथ से फिसलते नहीं रोक सकी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सब कुछ किया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार और सेना ने मोर्चा संभाला, गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद गलियों से सड़कों पर निकली भीड़ ने चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर रख दिया। शेख हसीना को उसी बांग्लादेश को छोड़कर जाना पड़ा जिसको उनके पिता ने आजाद कराया। शेख हसीना को उसी बांग्लादेश को छोड़कर भागना पड़ा जहां की वो चार बार प्रधानमंत्री बनी। तो शेख हसीना को उसी बांग्लादेश को छोड़कर जाना पड़ा जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अमेरिका से समझौता तक नहीं किया। तो शेख हसीना को उसी मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, उन दोनों के कर्ज तले दबा हुआ है। बांग्लादेश की कहानी भीड़तंत्र के सामने लोकतंत्र की उस बेबसी को नुमाया करती है जहां तर्ज़े हुकूमत संगीनों के साय में संभल संभल कर कदम रखती है। शेख हसीना अब बांग्लादेश के लिए माजी हो गई हैं। हालांकि उनका विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों में से कई लोग अब शेख हसीना के मुल्क छोड़कर जाने को लेकर पछता रहे हैं। जिन्हें फिलहाल अफसोस नहीं, वो भी शायद बाद में ये जरूर कहें कि एक हसीना थी। शेख हसीना की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण किरदार उनके वालिद हैं, उनके पिता हैं। उनके पिता का नाम शेख मुजीबुर रहमान था। शेख मुजीबुर रहमान एक राजनीतिज्ञ, क्रांतिकारी, आंदोलनकर्ता और राजनेता थे। उन्हें सम्मान में बंग बंधु भी कहा जाता था। शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन के लिए बहुत संघर्ष किया था। वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने, वो बांग्लादेश के निर्माता थे, तो वो अवामी लीग के अध्यक्ष थे और उदार धर्मनिरपेक्ष गुट का नेतृत्व करते थे। लेकिन उन्हें भी उस मुल्क से रुसवाई मिली जिसे नक्शे पर उन्होंने बांग्लादेश का नाम दिया था। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता भी माना जाता है, लेकिन उन्हें भी बांग्लादेश से बदले में वो मिला जिसका इल्म, जिसका गुमान मुजीब को शायद कभी नहीं रहा होगा। उनके पूरे परिवार को 1975 में मार डाला गया। बस शेख हसीना और उनकी एक बहन किसी तरह से बच गए। इस बार भी जब विरोध के शोले भरके तो विरोधियों ने शेख मुजीब की मूर्तियों पर हथौड़े बरसाकर पुराने कड़वे दिनों को दोहराया। यानी बांग्लादेश एक बार फिर इतिहास को दोहराता हुआ देख रहा था। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और साल 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। 45 मिनट के समय की अवधि में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और भारत में फिलहाल शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना के जिंदगी की किताब में कुछ मुड़े हुए पन्ने बारंबार विद्रोह की, तख्ता पलट की गवाही देते हैं। साल 2009 में भी शेख हसीना विद्रोह के निशाने पर आईं। फरवरी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स यानी BDR ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह के दौरान भारी संख्या में सेना के अधिकारी और उनके परिवार वालों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस नरसंहार को बांग्लादेश के इतिहास का सबसे जघन्य हत्याकांड माना जाता है। हसीना उस समय भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। 2 महीने पहले ही उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली थी और तभी बांग्लादेश राइफल्स के विद्रोह ने कोहराम मचा दिया। BDR ने चुन चुनकर शेख हसीना के समर्थकों का कत्लेआम किया था और उस समय भी शेख हसीना की मदद के लिए भारत ने ही हाथ बढ़ाया था। तब केंद्र में UPA की सरकार हुआ करती थी। प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री होते थे। उन्होंने तुरंत ही उस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन जैसे देशों को शेख हसीना के मामले में तैयार किया। भारत ने शेख हसीना की जान बचाने के लिए ढाका एयरपोर्ट पर भारत की पैराशूट रेजिमेंट की 6th बटालियन के पैराट्रूपर्स को तैयार कर दिया। बांग्लादेश में कई इलाकों में भारतीय सैनिक लैंडिंग के लिए तैयार थे। उन्हें सिर्फ फाइनल ऑर्डर की दरकार थी। ढाका एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी PM शेख हसीना की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तब भारतीय सेना के जवानों के पास थी। उस वक्त भारत ने साथ ही बांग्लादेश के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल मोइनुद्दीन अहमद को चेतावनी भी दे डाली कि अगर बांग्लादेशी सेना ने गलती से भी PM शेख हसीना के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा।
इसके बाद बांग्लादेशी सेना और वहां का विद्रोही संगठन ठंडा पड़ गया। भारत की धमकी से उनके होश उड़ गए। पीएम शेख हसीना को फिर छूने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, उनकी जान बच गई। लेकिन इस बार बांग्लादेश में हालात तब और बिगड़ गए जब शेख हसीना की सरकार ने प्रदर्शन कर रहे कट्टर संगठन जमाते इस्लामी पर बैन लगा दिया। जमाते इस्लामी संगठन पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत बैन लगाया गया था, लेकिन अब यही संगठन उनकी पार्टी के नेताओं के लिए जान का खतरा बन चुका है। जमाते इस्लामी संगठन से जुड़े छात्रों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट को अंजाम दिया। शेख हसीना की हत्या करने के लिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ पीएम हाउस के भीतर घुस गई। हालांकि शेख हसीना की किस्मत अच्छी थी, वो वहां से निकल चुकी थी, लेकिन शेख हसीना का घर लूटने वाली भीड़ ने जिस तरह से उनके अंडरगारमेंट्स बाहर हवा में लहराए, उससे भीड़ की मंशा समझी जा सकती थी। सवाल उठता है कि क्या इसी बांग्लादेश के लिए हसीना के परिवार ने इतनी कुर्बानियां दी। 50 साल पहले की एक बड़ी घटना का हम जिक्र करने से पहले आपको बताते हैं कि शेख हसीना का इराक के अरब वंश से क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 के दिन पूर्वी बंगाल के तुंगीपारा में बंगाली मुस्लिम शेख परिवार में हुआ। उनके पूर्वजों का इराक के अरब वंश से ताल्लुक है, जो कि मुगल काल के आखिर में भारत पहुंचे थे। शेख हसीना ने अपनी स्कूली पढ़ाई तुंगीपारा के प्राथमिक स्कूल में की। वो अजीमपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, फिर बेगम बदरनसा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की। ईडन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और यहीं से छात्र राजनीति में उतरी और फिर छात्र संघ की उपाध्यक्ष बनी। उनका निकाह परमाणु वैज्ञानिक वाजिद मियां से हुआ, जो कि जर्मनी में जॉब कर रहे थे। 15 अगस्त 1975 के दिन बांग्लादेश की सेना ने अचानक बगावत कर दी। इस तख्ता पलट के दौरान शेख हसीना के माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई। शेख हसीना, उनके पति वाजिद और बहन शेख रेहाना बाल बाल बच गए, क्योंकि उस वक्त वो यूरोप की यात्रा पर थे। शेख हसीना के तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अच्छे रिश्ते थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें राजनीतिक शरण दी। साल 1981 में इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत बुला लिया और वो कुछ समय तक भारत में रही। उसके बाद फिर बांग्लादेश में जब हालात सामान्य हुए तब वापस लौट गई। जब उन्होंने बांग्लादेश में परिवार की राजनीतिक विरासत संभाली तब उनकी उम्र महज 28 साल हुआ करती थी। साल 1986 से लेकर 1995 तक विपक्ष की लीडर रहीं। पहली बार साल 1996 में वो प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 2001 के लोकसभा चुनाव में हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, फिर 2008 में उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और दूसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद साल 2014 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, फिर 2018 में उन्होंने चौथी बार चुनाव जीतकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बांग्लादेश पर शेख मुजीबुर रहमान का कर्ज था, जिसे वहां की आवाम ने इस तरह चुकाया। शेख हसीना को उनके ही मुल्क से बेदखल कर दिया गया। हालांकि शेख हसीना वापस लौटना चाहती हैं फिर उसी मुल्क में, जहाँ के माजी में झांकने पर शेख हसीना को रुसवाइयों के सिलसिले नजर आते हैं। मार्को साउंड मिनट मार्को। प्रोफेसर इंग्लिश